नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ के एमसी अस्पताल में मरीजों को नहीं दी जा रही थी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन, विरोध करने पर संचालक ने कर्मचारी को पीटा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं केएमसी हॉस्पिटल में 11 साल से जॉब करता हूं, जो केएमसी हॉस्पिटल मेरठ में उपस्थित है। मेरी जो पोस्ट है केएमसी में, ऑक्सीजन जो प्लांट है हमारा, उस पे मेरी पोस्ट है, इंचार्ज पोस्ट पे मैं काम करता हूँ। और मेरी ये परेशानी है कि जो हमारे जो डीएम से पेशेंट जो कोविड के टाइम पर अलाउ थे वो थे 50 पेशेंट, इन्होंने 194 पेशेंट एडमिट किए और एडमिट भी किए, उसके अकॉर्डिंग एडमिट तो किए मगर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो डीएम साहब से हमें ऑर्डर मिले हुए थे वो सिर्फ 300 सिलेंडर ही मिले हुए थे, जिसका मेरे पास प्रूफ है। डीएम साहब की जो चैट है वो भी है मेरे पास, जो मैडम को मैं चैट भेजता था वे भी है, क्योंकि हमारे ऑथराइज 300 सिलेंडर थे और इन्होंने 193 पेशेंट एडमिट किए। 193 पेशेंट पे जो अगर हमारी ऑक्सीजन लगेगी तो करीब 800 सिलेंडर लगेगी 24 घंटे में, जो कि प्रेशर जो 4.1 चलता था उन्होंने मेरे से कोविड के टाइम पर 1.5 पे चलवाया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली 25 से 30 की मौत होती थी और मैं बहुत परेशानी में था। मेरे पर ये नहीं देखा जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि डेली पेशेंट मर रहे थे। इन्होंने मेरे को बाहर बताने के लिए मना किया, मेरे को धमकाया कि तूने अगर बाहर बताया तो तू मुझे जानता नहीं है, मेरा एसपी दरोगा और तुम्हारे डीएम मेरे पता नहीं नेताओं से पता नहीं कहाँ का मेरी जानकारी है, तुझे मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मैं मरवा दूंगा और तू जगह दिखने भी नहीं दूंगा, तू चमार का भी है चूड़ा है, इस तरह से मेरे को ये कहता था। तो मैं चुपचाप वहाँ जॉब करता रहा, ड्यूटी करता रहा एक दो महीने से कोविड के टाइम पर, दिन रात मैंने वहाँ पर ड्यूटी की। बस जब मेरा बिल्कुल ही उन्होंने पेशेंट को मार मार के बिल्कुल हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने, तब मेरे को रहा नहीं गया। मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को, कि आप ऐसे ना करें क्योंकि पेशेंट मर रहे हैं, कोविड का आप नाम ले लेके ऑक्सीजन से पेशेंटों को मार रहे हैं, पैसा एडमिट कर पैसे ले लेके पेशेंटों से पैसे ऐड रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, जैसा मैं कहूँगा तू ऐसा ही करेगा, मेरा हॉस्पिटल है तेरे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। और इस तरह से मेरे साथ अपशब्द किया, मेरे को मारा पीटा, मेरा गला दबाया, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की। और जिससे मैं आप इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी परेशानी को सुने, मैं वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी बता रहा हूँ और आगे आप इसको शेयर भी करें और बताएं आगे, और मैं जो मेरी कंप्लेन है वो मेरी सुनी जाए। मैं एसपी साहब से और एसपीसीटी साहब से जो भी है मतलब कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी परेशानी को सुने। और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है, अभी भी ऑक्सीजन उनके यहाँ पर प्रॉपर नहीं चल रही है, अभी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं बता के चल सकता हूँ हॉस्पिटल में केएमसी में, क्योंकि मेरा काम था ये, मैं 11 साल से काम करता हूँ, उससे पहले भी मैं काम करता था ऑक्सीजन पे, मेरा अभी भी काम है, मैं बता सकता हूँ ऑक्सीजन कहाँ पूरी नहीं चल रही है। और सीशू में उनका पेशेंट में अभी भी ऑक्सीजन पूरी नहीं चल रही, जिससे पेशेंट सीशू में अभी भी मर रहे हैं। कृपया सीशू में अपना पेशेंट एडमिट भी ना करें। और आईसीयू में ये हर जगह ये प्रेशर की बड़ी दिक्कत चल रही है, जिससे बड़े सिलेंडर भी इनके पास प्रॉपर नहीं मिलते थे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज़। गुड।